दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आईफोन का बैटरी हेल्थ को आप कैसे चेक कर सकते हैं। ऐसे आपको आईफोन के बैटरी हेल्थ के बारे में नहीं पता है तो आपको बता दूं कि आईफोन के बैटरी हेल्थ के परसेंटेज को देखकर ही आप काफी आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये आईफोन कितना पुराना है या फिर कितना नया है। तो आप अगर किसी से पुराने आईफोन लेने के लिए सोच रहे तो तब आपको उसके बैटरी के हेल्थ को चेक करके आपको एक बार लेना चाहिए। और जितने ज़्यादा बैटरी के हेल्थ के परसेंटेज होगा उतना ही अच्छा वो डिवाइस का बैटरी बैकअप होगा और वो डिवाइस अच्छा से परफॉर्म भी करेगा। और जितने कम बैटरी के हेल्थ के परसेंटेज होगा उतना ही कम वो डिवाइस में बैटरी का बैकअप मिलेगा आपको। और जो आईफोन में बैटरी हेल्थ के परसेंटेज कम रहता है वो डिवाइस जो है ज़्यादा पुराना होता है, यानी कि इस वजह से वो आईफोन डिवाइस में परफॉर्मेंस भी सही से देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो आप भी अगर आपके या फिर किसी और के आईफोन के बैटरी हेल्थ को चेक करना चाहते हैं तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में मेरा आईफोन का बैटरी हेल्थ चेक करके आपको दिखाने वाला हूँ। और इसको देखने के बाद आप भी आसानी से आपके आईफोन डिवाइस में बैटरी हेल्थ को चेक करना सीख जाएंगे। तो मेरा नाम है मिथुन और आप देख रहे डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मिथुन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आईफोन में बैटरी हेल्थ के परसेंटेज को चेक करने के लिए सबसे पहले आपके आईफोन डिवाइस में सेटिंग्स को ओपन करना है। तो सेटिंग को आप क्लिक कर देंगे। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है। नीचे आपको एक बैटरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली बैटरी के ऊपर क्लिक कर देना है। बैटरी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे नीचे आप देखें कि बैटरी हेल्थ का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके आईफोन डिवाइस के जो मैक्सिमम बैटरी का हेल्थ क्वालिटी है यानी कि कैपेसिटी है वो आपको इधर परसेंटेज में देखने को मिलेगा, यानी कि 91% मेरा आईफोन डिवाइस का बैटरी हेल्थ परसेंटेज है। और ये जितना ज़्यादा रहता है उतना ही ज़्यादा यानी कि वो फ़ोन ज़्यादा पुराना नहीं होगा, नहीं हो सकता है और ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करेगा। यानी कि जब अगर आप नया आईफोन खरीदते हैं तो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 100% होता है। और मेरा 9% कम हुआ है, मैं भी नए फ़ोन को ख़रीदा था और मेरा ये आईफोन को ख़रीदते हुए 1.5 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है और 1.5 साल में सिर्फ 9% ही कम होता है। और ये परसेंटेज एक बार कम होने के बाद वो अपर नहीं बढ़ता है, यानी कि जितना ज़्यादा आप यूज करते जाएंगे, जितना पुराना होते जाएगा बैटरी, जितना ज़्यादा यूज होते जाएगा उतना ही कम जो है ये परसेंटेज होते रहता है। तो आप अगर किसी से पुराने आईफोन लेने के लिए सोच रहे होंगे तो सबसे पहले आपको बैटरी का जो हेल्थ क्वालिटी का परसेंटेज है उसको आपको चेक करना है। अगर 70% के ऊपर उनके बैटरी की हेल्थ कैपेसिटी है तो आप आराम से उस फोन को अगर सस्ते दाम में मिल रहा है तो खरीद सकते हैं। 70 के ऊपर जितना भी परसेंटेज होता है वो फोन अच्छा चलता है, यानी कि ज़्यादा पुराना भी नहीं हो सकता है। और अगर 70 के नीचे लेंगे थोड़ा आपके लिए रिस्क हो सकता है, लेकिन ये जो परसेंटेज का ये है ना, ये बहुत ही तेज़ी से जो है अप डाउन नहीं होता, यानी कि कम नहीं होता है। बहुत ज़्यादा यूज करने के बाद मतलब 2 महीना 3 महीना 4 महीना में ये परसेंटेज को चेंज होते रहते हैं, यानी कि 1 दिन में 2 दिन में ये परसेंटेज को आप देखेंगे तो ये चेंज नहीं होता है, यानी कि परसेंटेज कभी जो है ख़त्म नहीं होगा। जितना पुराना होता जाएगा उतना थोड़ा थोड़ा करके ये परसेंटेज कम होते रहता है। तो आप इस तरह से आपके आईफोन डिवाइस में बैटरी के हेल्थ के जो परसेंटेज है उसको चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपके आईफोन में जो बैटरी का क्वालिटी कैसा है, कितना ज़्यादा पुराना या फिर नया है, ये आप आसानी से चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो से जुड़े आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल या फिर सुझाव है तो आप नीचे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आने वाले समय में और भी नई नई ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।